आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो द क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो गाइस, यहाँ पर हमें दो कॉलम दे रखे हैं और हमसे बोला जा रहा है कि हमें मैच करना है। जहाँ पे कॉलम वन में कंडीशन दे रखी है, कॉलम टू में उसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है। सो गाइस, हम अब समझते हैं अपने सारे ऑप्शंस। हमारा पहला ऑप्शन है टेट्राजोमी, ठीक है। सो गाइस, टेट्राजोमी में क्या होता है, इट इज गेन ऑफ टू क्रोमोजोम ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। जब भी कभी गाइस सेट में, क्रोमोसोमल सेट में हमारे दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएं जो कि सेम टाइप के हो, उस कंडीशन को बोलते हैं हम टेट्राजोमी। तो गाइस, इस केस में जैसे मैं सपोज करती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअल है जिसमें 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएं जो कि सेम हो, तो इस कंडीशन को हम टेट्राजोमी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मेरा ऑर्गेनिज्म सपोज करती हूँ कि वो डिप्लॉयड है, तो 2n+2 कंडीशन रिप्रेजेंट करती है टेट्राजोमी को। देन हमारा दूसरा ऑप्शन है डबल ट्राइजोमी। सो गाइस, डबल ट्राइजोमी में इज प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ 2 different एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो गाइस, इस केस में क्या हो रहा था, हमने इस केस में देखा 2 extra क्रोमोसोम थे लेकिन वो दोनों सेम थे। अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, यहाँ पर 2 extra क्रोमोसोम होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि ये 2 extra क्रोमोसोम है पर ये दोनों डिफरेंट है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डबल ट्राइसोमी। तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन हमारा तीसरा ऑप्शन है गाइस हाइपोप्लॉइडी। सो गाइस, हाइपोप्लॉइडी इज क्रोमोसोम लेस देन डिप्लॉयड नंबर। सो गाइस, अगर जैसे इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो उस केस में अगर नॉर्मली जितने क्रोमोसोम है उससे अगर एक भी क्रोमोसोम कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मानती हूँ कि मेरे पास ये कंडीशन थी, अब यहाँ पर क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम मिस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। नॉर्मली यहाँ पर क्या कंडीशन थी, यहाँ पर कंडीशन थी 2n=6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 की जगह 5 क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है, तो जो नॉर्मल नंबर था उससे कम हो गए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। देन गाइस, एलोप्लॉइडी क्या है, एलोप्लॉइडी इज हाइब्रिड इंडिविजुअल और सेल हैविंग 2 or more सेट ऑफ क्रोमोसोम डिराइव फ्रॉम 2 different स्पीशीज। तो गाइस, इस केस में जो सेल या इंडिविजुअल होगा उसमें क्या होगा, उसमें 2 या 2 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो कि डिफरेंट स्पीशीज से डिराइव होंगे, तो हम हाइपोप्लॉइडी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ये 2 अलग स्पीशीज से डिराइव क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो गाइस, अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो टेट्राजोमी जो है ए, इट इज दिस कंडीशन, डबल ट्राइजोमी इज दिस कंडीशन, हाइपोप्लॉइडी इज दिस कंडीशन, एंड एलोप्लॉइडी जो है वो कौन सी कंडीशन है, वो है ये वाली कंडीशन। सो गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5th जो है वो बी है, 4th जो है वो ए है, देन 2nd जो है वो सी है, और डी जो है वो 1st है। तो गाइस, सही आंसर है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और गाइस, ये जो कंडीशन दे रखी है 2n+1, ये रिप्रेजेंट करता है ट्राइजोमी को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर दी, राइट। तो इसका आंसर है बी, 2nd। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।